हे गाइस, वेलकम टू अभिनी ऑटो व्लॉग्स। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम लोग बात करेंगे टाटा पंच के क्रिएटिव यानी कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के बारे में और इसका डिजिटल वॉकअराउंड करेंगे। देखेंगे क्या इंटीरियर मिलते हैं, क्या फीचर्स मिलते हैं और क्या एक्सटीरियर मिलता है। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं टाटा पंच, ये वाइट कलर के अंदर है। डुअल टोन ऑप्शन आपको मिलेंगे सिर्फ क्रिएटिव वेरिएंट के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मिलते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRLs, ये दोनों ही चीज़ें इसी वेरिएंट से स्टार्ट हो जाती हैं। रूफ रेल्स यहाँ पर एड ऑन हो जाती है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं और ऑटो फोल्डिंग ORVMs इसके अंदर अवेलेबल मिलेंगे। अगर आप इसका फ्रंट लुक देखते हैं तो हैरियर से इंस्पायर्ड है। ऊपर की तरफ LED DRLs, नीचे मिलते हैं डुअल सेटअप के अंदर, एक साइड आपको हेलोजन मिलता है और एक साइड मिलते हैं इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। उसी के नीचे आपको फॉग लैम्प्स की हाउसिंग दी हुई है जिसके अंदर फॉग लैम्प्स है। साथ में अगर आप इसकी फ्रंट ग्रिल देखते हैं तो ह्यूमैनिटी लाइन ग्रिल मिल जाती है जो कि आपको ग्लॉसी ब्लैक में मिलेगी और उसके नीचे ही आपको अक्रॉस एक क्रोम लाइनिंग देखने के लिए मिल जाती है जो कार को और भी ज़्यादा अपीलिंग लुक दे देती है। उसके नीचे आपको मिलता है ट्राई एरो पैटर्न में ग्रिल जो कि नेक्सॉन की हमें यहाँ पर याद दिलाती है। सो ये है इसका पूरा फ्रंट लुक। सो अब चलते हैं इसकी साइड लुक की तरफ और इसके साइड एलिमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पर मिल जाती है वो है पडल लैम्प्स, जो इसके ORVMs है उसी के नीचे आपको पडल लैम्प देखने के लिए मिल जाएंगे। जो इसके ORVMs हैं वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ऑप्शन के साथ आपको मिल जाते हैं। अगर आप इसका बी पिलर देखते हैं तो मैट एंड फिनिश में है, ए पिलर आपको दोबारा मैट एंड फिनिश में ब्लैक कलर के साथ मिलेगा। इस वेरियंट से आपको रूफ रेल्स मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, मैं आपको अगेन ये चीज़ बता रहा हूँ। अगर हम बात करें इसके अलॉय व्हील्स की तो इसी वेरिएंट से आपको 16 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स अवेलेबल मिल जाते हैं जो देखने में काफ़ी ज़्यादा कार को एक अट्रैक्टिव लुक देते हैं। अब चलते हैं इसके बैक लुक की तरफ। अगर आप इसके रियर प्रोफाइल देखते हैं तो इस वेरिएंट से आपको रियर वाइपर प्लस वॉशर एंड डिफॉगर अवेलेबल मिल जाता है। ऊपर की तरफ आपको एक ओल्ड स्कूल टाइप जो एंटीना है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाता है, LED टेल लैंप्स हैं वो आपको मिल जाते हैं, बीच में टाटा का बोल्ड लोगो, उसी के नीचे आपको रिवर्स कैमरा मिल जाता है, पंच की बैजिंग मिलती है और रिफ्लेक्टर्स जो हैं वो इसके बम्पर्स पर ही दोनों साइड माउंट किए गए हैं जो एक यूनिक लुक आपको यहां पर दे देता है। अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपको ड्राइवर साइड पर पैसिव एंट्री का बटन मिल जाता है, जो रिक्वेस्ट सेंसर होता है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। सिर्फ ड्राइवर साइड पर ये अवेलेबल मिलेगा, जो दूसरी साइड है वहाँ पर ये अवेलेबल नहीं कराया गया है। सो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, काफ़ी अमेजिंग लुक आपको यहाँ पर मिल जाता है। टाटा पंच के साथ जो क्रिएटिव वेरिएंट है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। जो बूट है वो इसका आपको 366 लीटर्स का अवेलेबल मिल जाता है जो अमेजिंग है इस सेगमेंट के अंदर, इवन एल्ट्रॉस से भी ज़्यादा आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर बात करें इसके एक इंटीरियर के बारे में तो इंटीरियर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ बात करते हैं इसके सेंटर कंसोल के बारे में। यहाँ पर आपको मिल जाती है 7 इंचेस की हरमन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले जो सपोर्ट करती है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो और इसके अंदर आपको IRA कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं। उसके लिए आपको एक जो कस्टम पैक है वो परचेज ज़रूर करना पड़ेगा। बीच में आपको इस इवेंट्स के पास मिल जाती है हाईलाइट जो कि ब्लू कलर के अंदर दी हुई है, उसी के बीच में आपको हजार्ड लाइट का बटन मिल जाता है और बीच में अगर आप देखेंगे तो जो आइवरी कलर है उसी के ऊपर आपको ट्राई एरो पैटर्न में कुछ सॉर्ट ऑफ टेक्सचर दिया गया है जो कि कार को और भी ज़्यादा एक अपीलिंग लुक देता है। उसी के नीचे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की AC की यूनिट अवेलेबल दी गई है। उसी के नीचे मिलते हैं USB का आपको पोर्ट ऑक्स के लिए और एक जो चार्जिंग के लिए पोर्ट है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। AMD ट्रांसमिशन मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। कन्वेंशनली आपको हैंड ब्रेक यहाँ पर मिलता है, 12 वोल्ट का एक और एक्सेसरी सॉकेट अवेलेबल मिलता है, 2 कप होल्डर्स यहाँ पर गिवन कराए गए हैं। सो ओवरऑल जो इसका सेंटर कंसोल है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आप इसका स्टेयरिंग व्हील देखते हैं तो डी कट स्टाइल में दिया गया है और यहाँ पर आपको एक साइड मिल जाते हैं ऑडियो कंट्रोल्स, एक साइड आपको मिल जाते हैं क्रूज कंट्रोल के बटन्स और यहाँ पर आपको जो एरो वाले बटन्स मिलता है राइट हैंड साइड, उससे आप इसके जो क्लस्टर मीटर है उसको एक्सेस कर सकते हैं। वेरिएंट के अंदर आपको कुछ इस तरीके का 7 इंचेस की TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एड ऑन हो जाता है इस वेरिएंट से, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर आपको जो इस वेरिएंट के अंदर आपको 4 स्पीकर 2 ट्विटर मिलते हैं। ट्विटर की जो प्लेसमेंट है वो आपको ए पिलर के पास दी गई है। यहाँ पर आपको जो 4 पावर विंडोज़ मिल जाती हैं, ORVM आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल और फोल्डेबल मिलता है
और कुछ इस तरीके का आपको जो सीट्स का फैब्रिक है देखने के लिए मिलेगा। ट्राई एरो पैटर्न का जो डिज़ाइन है, इवन जो ब्लू स्टिचिंग है वो भी आपको ट्राई एरो पैटर्न के उसमें देखने के लिए मिलती है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। जो इसके हेडरेस्ट हैं वो आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं, इवन जो पीछे भी के भी हेडरेस्ट हैं वो भी आपको एडजस्टेबल मिल जाएंगे। आप उसकी जो हाइट है वो ईजिली एडजस्ट कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। जो इसके सीट बेल्ट है वो आपको नॉर्मल मिलती है, हाइट एडजस्टमेंट के साथ अवेलेबल नहीं मिलेगी। सन शेड्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। जो वैनिटी मिरर्स हैं वो अभी तक पता नहीं चल पाए कि इस वेरिएंट के अंदर मिलेंगे या नहीं। हैलोजन आपको इसके अंदर रूफ लाइट मिल जाती है। IRVM आपको यहाँ पर दिया गया है, सो कुछ इस तरीके से आपको लुक मिलता है। जो सेफ्टी फीचर मैंने आपको स्टैंडर्ड बताए थे वो आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाएंगे। कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको इस वेरिएंट के अंदर अवेलेबल कराया गया है। जो इसके गियर नॉब है वो आपको लेदरीड मिलेगी, इवन जो स्टेयरिंग व्हील है वो भी आपको लेदरीड देखने के लिए मिल जाएगा इस वेरिएंट के साथ। ग्रैब हैंडल्स आपको मिल जाते हैं, यहाँ पर पीछे भी आपको ग्रैब हैंडल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। सो जो हेडरेस्ट मैंने आपको बताया था कि एडजस्टेबल मिलेंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। रियर सीट्स के लिए भी आपको यहाँ पर हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिल जाएंगे। और इस वेरिएंट के अंदर जो आपको रियर आर्मरेस्ट है वो अवेलेबल कराया गया है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो सीट है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल देखने के लिए यहाँ पर मिल रही है, थोड़ा सा रेक्लाइन आपको देखने के लिए मिल जाती है। सो गाइज, ये थे कुछ इस वेरिएंट के फीचर्स। अभी तक प्राइसिंग कंपनी की तरफ से रिवील नहीं कराई गई है, जैसे इसकी प्राइसिंग आ जाएगी वो भी मैं आप लोगों से रिवील ज़रूर कर दूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लैट आपको पीछे का फ्लोर देखने के लिए मिलता है, जो कि पंच की खासियत है इस सेगमेंट के अंदर। सो गाइज, ये था मेरी तरफ से एक अपडेट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड बाय बाय।